तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोल रहा है। सो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अगर कोई भी बहुत सारे एक प्लेन है जिसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स हैं और अगर वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हुए तो उस सेट जो वो सेट होगा वो क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भरे हुए हैं, ठीक है, तो वो सेट इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो इक्विवेलेंस के लिए पहले अपन रिफ्लेक्सिव की कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? तो रिफ्लेक्सिव होता है कि ए कॉमा ए को आर से बस बिलोंग हो जाए। ठीक है ना, तो बताओ ट्राइंगल ए ट्राइंगल ए से कॉन्ग्रुएंट होगा क्या? मतलब कि ऐसी बात है, एक ट्रायंगल अपने आप से कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं होगा? हाँ होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब तो जानते होगे ना कि मतलब कि वो उसके ऊपर कोइंसाइड करेगा कि नहीं करेगा, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था। क्लास 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था सर, 9th में पढ़ा था। तो ट्रायंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए, बस सही बात है। रिफ्लेक्सिव मतलब वो खुद से तो हो गई। तो चलो सिमेट्रिक की देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर अपन को गिवन रहता है कि ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहा है तो क्या बी कॉमा ए करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा एक बार बताओ, कोई ट्राइंगल ए है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी के, तो क्या ट्राइंगल बी ए के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? हाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है सर। तो ठीक है, बी कॉमा ए डस बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, तो ये भी हो गया, तो ये सिमेट्रिक भी है। और अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव इज सुपर इजी। देखो, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो हमें ये बताना होता है कि ए कॉमा सी आर को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो ठीक है, अगर ये गिवन है तो इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी। ठीक है, ये होगी अपनी पहली इक्वेशन। और इससे अपने को क्या मिल जाएगा कि ट्राइंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी, इससे अपने को मिल गई अपनी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या कह सकते हो, ये बी के कॉन्ग्रुएंट है और बी सी से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों एक ही चीज से कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल मतलब फर्स्ट इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से तुम क्या कह सकते हो कि ट्राइंगल ए इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी। ठीक है, और यही कंडीशन के बारे में तो ये पूछ रहा था। तो ए कॉमा सी डज बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ठीक है, तो देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हैंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस प्रूव्ड।